वो जूनागढ़ की हवेली में मौजूद हैं नवाब साहब के साथ। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम, और मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है ये कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ जूनागढ़ के बारे में, सिर्फ वही जो किताबों में पढ़ा है आज एक्सपीरियंस करूँगी। तो ये जो कमरा है ये आपका है? जी, ये हमारी ऑफिस है। अच्छा, देख सकते हैं हम? बिल्कुल, ज़रूर आइए, तशरीफ लाइए। अच्छा, तो यहाँ पर आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं यहाँ से? जी, इस ऑफिस में हम एक ज़माने में तो सुबह को आ जाया करते थे, अब यहाँ आना कम होता है क्योंकि एक मेरा ऑफिस है वहाँ, तो मैं उसमें बैठता हूँ ज़्यादा। अच्छा अच्छा, ये बराबर में इस घर में ही हैगा, तो इसको कम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल हम। इसको मेंटेन किसने करके रखा हुआ है? ये तो मैंने ही करा है, इसकी सफाई और इसकी, यानी कि मैं देख रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी, और सारी आपने बड़ी एक हिस्टोरिक इसकी जो है वो फील रखी हुई है। तो आपको हमेशा से क्लासिक चीज़ें पसंद हैं? जी बिल्कुल, ये मैंने उसको उस तर्ज पर बनाया है जो हुआ करते थे। हाँ। रूलिंग प्रिंसेसेस ऑफ इंडिया के ज़माने में जो कुछ होता था थोड़ा बहुत, वो उसको मैंने थोड़ा सा उस स्तर पर, अब ज़्यादातर जो है जिस तरह से ये फोटोग्राफ है। जी, ये किसकी खाल है? कैंगरू। ओह वाओ, दिस इज कैंगरू। और शौक है आपको शिकार? शिकार का शौक? जी, शिकार का शौक नहीं है, नहीं है मुझे, बिल्कुल कैंपिंग का शौक है, पिकनिक्स का शौक है। पिकनिक क्या होती थी आपके आपके खानदान में उस टाइम? पिकनिक तो बस ये होती है कि चले जाते हैं कहीं। हाँ। अब तो आजकल तो कोई फार्म हाउसेस हैं या कहीं चले गए। आजकल की बात नहीं करी, मैं आपके बचपन की बात कर रही हूँ। जी, उस ज़माने में भी यही होता था कि वालिद साहब के साथ हम जाया करते थे, तो वो गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन बंगलोज वगैरह हुआ करते थे, तो वो नवाब साहब बुक कर लिया करते थे, तो फिर वहाँ जाके फैमिली रुका करती थी। हाँ। 2-3 दिन वीकेंड्स वगैरह। तो आपके बहन भाई, आप लोग कितने बहन भाई? जी, हम लोग 3 भाई हैं और 1 सिस्टर है। आप कौन से नंबर पे? आई एम द एल्डेस्ट सन, यू नो, द एल्डेस्ट सन। ओके, मुझे बताएं ना इन तस्वीरों के बारे में कुछ। ये तस्वीरों की हिस्ट्री तो बिल्कुल, दीज आर वेरी हिस्टोरिकल। ये किसकी तस्वीर है? अपने ये जो तस्वीर है ये मेरे नाना हजूर की है। अरे वाह, माशाल्लाह, क्या नाम? ये सरदार नवाब मोहम्मद खान जागीरदार। अच्छा। ये भोपाल स्टेट से इनका ताल्लुक था, और जो नवाब भोपाल थे ये उनके कजन्स थे, तो और सबसे बड़े जागीरदार थे रियासत भोपाल के। ऊपर जो है मेरे वाले साहब की है, हिज आइनस नवाब दिलावर खान जी। और आपके वालिद की क्या सीख थी आपको बचपन में? मैंने तो बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा हमें बताएं? मैंने रियासत सीखी, हुकूमत सीखी, सोशल वर्क सीखा, इंसानों से मोहब्बत करना सीखा। क्या कहते थे, कौन सा एक, कौन सी? अल्लाह रसूल से मोहब्बत करना सीखा, दीन से मोहब्बत करना सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैं उनका एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी काम करता रहा। अरे वाह, क्या तो मैं उनके कदमों में बैठ के बहुत कुछ सीखा। तो उनने मुझे रियासत, हुकूमत, सियासत। गुस्सा किस बात पे करते थे सबसे ज्यादा? जी, उनको गुस्सा नहीं आता था। नहीं आता था। He was in full control of his emotions. जूनागढ़ की जब हम बात करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, तो जाहिर है वो चाहते थे पाकिस्तान। आज की जो सूरत हाल है, कभी एक सोचते हैं, तो आपके अब्बा का ख्वाब क्या था उस वक्त? उनका ख्वाब था कि जूनागढ़ हमें मिल जाए और जूनागढ़ पाकिस्तान हो जाए, और हम जो हैं जूनागढ़ जाएं, मगर हम लोग जब भी जाएंगे जूनागढ़ तो हम इज़्ज़त के साथ जाएंगे, वहाँ इज़्ज़त के साथ दाखिल होंगे, विद ऑनर एंड विद आवर डिग्निटी। कैसे बयान करेंगे आप कि हम इज़्ज़त से जाएंगे? तो इस तरह से जाएंगे। देखें, अभी भी जो लोग हैं वहाँ जूनागढ़ के, वो बड़ी मोहब्बतों के पैगाम भेजते हैं और हमें बुलाते हैं। अच्छा, तो आप आएँ, आप आते क्यों नहीं हैं? और बहुत से लोग तरसते भी हैं हमें देखने के लिए, क्योंकि वहाँ ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लोग अपने नवाब को देखना चाहते हैं। इतने सालों में करीब आए हैं अपने अपने ख्वाब के, या दूर जाते जा रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि हम अब करीब आते जा रहे हैं। हालांकि मैं तो 1983 से ये लेके चल रहा हूँ मूवमेंट, मगर अब ये हैगा कि लग रहा हैगा कि ये सरफेस कर रही है, ये इशू जो है अब हाईलाइटेड हो रहा है, और इंशाल्लाह दिस विल गो टू द हेल्म ऑफ अफेयर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये बड़ी क्लासिक सी क्लॉक रखी हुई है आपने यहाँ पर। असल में दिस इज जस्ट अ क्लॉक, और कुछ भी नहीं है, पुरानी पुरानी नहीं है। असल में जो मेन चीज़ है वो ये हमारे शेर खान बाबी हैं, नवाब शेर खान बाबी, जो कि लास्ट ऑफ द गवर्नर जनरल्स थे। अपने देवर वर्किंग फॉर द मुग़ल इम्पीरियल्स, तो वो मुग़लों के दरबारों में काम करा करते थे और एज गवर्नर्स जनरल्स एंड गवर्नर जनरल्स, कमांडर्स एंड स्टेट्समैन। तो वो जो काम अंजाम देते थे उसके रिकग्निशन में उन्हें जागीरें अता करी जाती थी। और 1735 में इनके जो साहबजादे थे, नवाब बहादुर खान शेर खान बाबी वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ जूनागढ़, और उन्हें प्रोक्लेमेशन करा ऑफ अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट। इनके बारे में क्या ख़ास बात बताएंगे आप देखने वालों को? तो हम समझते थे कि बहुत अला किस्म की फैमिली है हमारी, जो कि आई कैरी माई लेगेसी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और इनके बारे में ये था कि हमारी फैमिली जो थी, ये पहले भी अफगानिस्तान के अंदर हम लोग हुक्मरान थे। हम लोग हमारे जद्द अमजद ने वहाँ की हुक्मरानी हुकूमत में और हुक्मरानियाँ भी करी और हुकूमतों में भी रहे। और इसके बाद जब हुमायूं आए वहाँ, जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया, तो उनके साथ वो गए हैं वापस वहाँ। और इसके बाद उनके साथ उनको बिठा दिया हुमायूं को। जंग हुई, ज़ाहिर जंगें लड़ते थे। हमारा काम ये था, तो बिकॉज़ वी आर अ मार्शल रेस, तो लड़के और उनको वहाँ गद्दी नशीन कर दिया हुमायूं को। इसके बाद फिर वो दरबारों में चलते रहे। आपने ये जो पगड़ी टर्बन जो पहनी हुई है, इसकी क्या हिस्ट्री है? इसकी हिस्ट्री है कि आखिरी में इसमें देखें लिबास बदलते रहे वक्तन बवक्तन। तो एक वक्त ये भी था कि जब वो हमारे परदादा के वाले साहब का दौर था, फिर मेरे परदादा का दौर आया, उनके बड़े भाई थे उनका दौर आया, तो ये एक किस्म की ये पगड़ी पहना करते थे जो बत्ती कहलाती थी। तो वो मुख्तलिफ होती थी और वो बांधने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते थे। वो असल में एक डोर होती थी, उसके ऊपर असल सोने का तार लपेटा जा रहा था, जैसी वो हैगी वहाँ सामने। ये हमारे वालिद मोहतरम हैं नवाब दिलावर खान जी, और ये हमारे जूनागढ़ स्टेट के जो लॉन्गसर्स का यूनिफॉर्म था, ये उसके अंदर हैंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूक ज़राए से मुसद्दक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट ARY न्यूज। पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।